सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहम व फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। बल्कि मुझे डर है कि पूरी रकम का जुर्माना हो सकता है। क्या मतलब? क्या पूरी रकम जितना जुर्माना आयद किया जा सकता है? वो अब्दुल हमीद है, जो चाहे करने की ताकत रखता है। हम खतरा मोल लेंगे पाशा, आप फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई शुरू कीजिए। रियासत की तरफ से कसल साहब पर मुकदमा दायर किया जाए, सजा के तौर पर उनके खाते में मौजूद रकम वापस ले लेंगे। खबर अच्छी नहीं है तलत साहब, शहजादे को बैसम अफंदी के खिलाफ बनाए गए हमारे मंसूबे का इल्म हो गया है। अब हम मजीद कुछ नहीं कर सकते। मैं चाह रहा हूं, मगर ये मत समझना कि खेल खत्म हो गया। अशरफ अजीज, मैं अपने आदमियों को ले जाऊंगा और आपसे भी हिसाब लेकर रहूंगा नाजिर साहब। अब्दुल हमीद के हक में फैसला हुआ है, अब वो अपनी रकम वापस ले लेगा। नाइमी ने अपनी सारी रकम फातिमा सुल्तान को दे दी है, इसके अलावा हवेली वाली रकम भी। या अल्लाह खैर, वो तो बहुत बड़ी रकम होगी सुल्तान मौसम। ऐसा ही है। बुरी खबर ये है कि सालिया सुल्तान को भी हम पर शक हो गया है। हमें डर है कि कहीं हमारा राज फाश ना हो जाए। डरिए मत, मेरे पास एक मंसूबा है जिससे सबका आप पर से शक खत्म हो जाएगा। हम जानते हैं कि नाइमी सुल्तान ने आपकी मदद करने के लिए वो हवेली फरोख्त करके सारी रकम आपको दी। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप कितनी मुश्किल में हैं। क्या नाइमी ने आपको ये बात कही है? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो फिर तुबीनी साहब, मुझे नहीं लगता कि इस पेशकश को कबूल करेंगे वो। आप बात कीजिए उनसे और उनसे कहें कि हमारा तदब्बुर हर बोरान का मुकाबला कर सकता है, हमारे साथ काम करने में उनका फायदा है। हम बहुत जल्द वो रकम वापस कर देंगे, बल्कि ज्यादा नफा होने वाला है। रकम इस बार नहीं डूबेगी फातिमा, आपका भी कर्ज खत्म हो जाएगा। हमने किसी को कर्ज नहीं देना, लेकिन आपको हमें हिसाब देना है नाइमे। आप चाचा जान और आपा को बता दीजिएगा कि हमने आपको मजबूर किया था। हम ऐसी जगह पर जा रहे हैं कि आप हमसे नाराज नहीं हो पाएंगे। हमें माफ कर दीजिएगा, हम आपके हमेशा खैर ख्वाह रहेंगे। अलिया, या अल्लाह हमें माफ कर दे, या अल्लाह हमें माफ कर दे। अलिया छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। नाइमे, क्या कर दिया आपने? ऐसे कि आपको उससे बॉन्ड खरीदने होंगे। जनाब कसल के जरिए जो उसका मंसूबा नाकाम होने वाला है, वो उसे आपके जरिए कामयाब बनाना चाहता है, लेकिन आप ये कतअन कबूल नहीं करेंगे। वो अपनी हद पार कर चुका है, अब उसे एक कारी सर्प लगानी होगी। मुमकिन है उसका एक करीबी मेरे हाथ में है। कौन है वो बताओ मुझे। फातिमा, आप ही बाबा को मत बताइएगा कि हिस्सेस बाजार में हमारी रकम डूब गई है।
ठीक है, हम नहीं बताएंगे, लेकिन जल्द या बदेर हकीकत सामने आ जाएगी। तब तक हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे इंशाल्लाह। हम भी आपकी मदद करेंगे। आप अब इस मामले में मजीद दखल अंदाजी मत करें। नाइमे सुल्तान, क्या आप ठीक हैं? ठीक हैं, आपका शुक्रिया। ये सब कैसे हुआ? कहाँ थे उस वक्त आप? हमारे चचा सुल्तान मुराद की विरासत में एक खास खंजर था, हम उसे देख रहे थे। तो क्या देखते हुए जख्म आ गया? बस अचानक से चक्कर आ गए, हम किसी चीज का सहारा लेने लगे तो खंजर हमारे हाथ में पेवस्त हो गया। क्या आप अकेली थी? आपके साथ कोई और नहीं था वहाँ? हम इनके साथ ही थे, लेकिन ये सब अचानक हो गया। हम इन्हें सहारा देने ही वाले थे, मगर तब तक चोट लग चुकी थी। बस एक छोटा सा हादसा था, जख्म गहरा नहीं है, शुक्र है। शुक्र है। आइए। सुल्तान मुअज्जम। जनाब करासो, तुबीनी साहब से बात हो गई आपकी? जी हो गई, लेकिन मैं उन्हें कायल नहीं कर सका। क्या आपने उन्हें ये बात बताई कि हम अल्लाह की मदद से हर मसले का हल निकाल लेते हैं? बताया था सुल्तान मुअज्जम, लेकिन हम समझ गए, हमारी ताकत से वाकिफ नहीं वो। अब हम उन्हें बताएंगे कि अल्लाह ने हमें हर मुसीबत से निकलने की सलाहियत और काबिलियत से नवाजा है, और अब उन्हें मोहतात रहना होगा। क्या खाया है आज हमारे शेर ने? बोशना पूरी, मैंने खुद बनाया था। वाह वाह, इसे बनाने के लिए तो काफी महारत की जरूरत होती है, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल भाई, आपके लिए भी ले आऊं, आप खाएंगे? ले आओ, मगर छुरी भी लाना, छुरी के बगैर नहीं खाता मैं। इसहाक साहब के पास है छुरी। इसहाक साहब कौन? हाँ शायद आपको मालूम नहीं है, तबीब साहब ने अली उस्मान को तलफ्फुज़ की मशक करवाने के लिए एक मौलिम मुख्तस किए हैं, और इसहाक साहब इस काम में काफी महारत रखते हैं। वो अभी अंदर ही हैं, सबक शुरू करवाने ही वाले थे। अशरफ भाई क्या हुआ है? हाथ ऊपर करो फौरन। अशरफ भाई, हाथ ऊपर करो और अपना चेहरा मेरी तरफ करो। छुरी नीचे फेंको। नहीं फेंक सकता। फेंको फौरन। फेंकूंगा नहीं, बस जहां से उठाई है वहीं रखूंगा। अच्छा, तो फिर मैं छुरी समेत ही तुम्हारे हाथ पर गोली मार देता हूँ। मैं छुरी से ये कलम तराश रहा था, तो क्या आप इसके लिए मुझे गोली मार देंगे? व्यापारी, बर्तन इनके पास लेके जाओ ताकि ये छुरी रख दे, कहीं इनका हाथ जख्मी ना हो जाए। हमने अपना ये कलम तराश लिया है, अब हमें सबक शुरू करना चाहिए, है ना अली उस्मान? तो हमारी बेटी इस खंजर से जख्मी हुई है। फातिमा ने बहुत अरसे से संभाल के रखा हुआ था, उन दोनों के लिए बहुत खास है ये, इसलिए हमें भी दिलचस्पी हुई। हम तबीबा से कह देते हैं कि आपका मुकम्मल मुआयना करें। मालूम तो हो कि आपको चक्कर क्यों आए? जरूरत नहीं, बस आजकल जरा हम सो नहीं पाते, शायद इसी वजह से। क्यों सो नहीं पाती आप बेटी? क्या कोई परेशानी लाहक है? नहीं बाबा जान, हमें क्या परेशानी हो सकती है? हमारी मौजूदगी तो कहीं आपकी परेशानी का सबब नहीं? बेफिक्र हो जाइए, हमें आपकी आदत हो गई है। क्या आप फातिमा बेटी की वजह से परेशान हैं नाइमे? जी हम उनके लिए फिक्रमंद हैं, लेकिन वो कोई ना कोई हल निकाल लेंगी, फातिमा समझदार है। हमने भी उनसे बात की है,
उन्हें बताया है कि हम उनकी मदद कर सकते हैं। जरूरत महसूस हुई तो हम उनसे दोबारा बात करेंगे। अगर उन्हें मदद की जरूरत होगी तो वो बता देंगी। हमें बार बार जिक्र करके दबाव नहीं डालना चाहिए, वो इस मौजू से अफसरदा हो जाएंगी। आपने हमें बात करने से रोक दिया था, इसलिए हमने फातिमा बेटी से बात करने के लिए मलिका सवालिया से कहा। अब हमारी जगह हर खान की मामले की निगरानी मलिका के सुपुर्द है। हम अब्दुल हमीद को मुश्किल में डालना चाहते थे, मगर उसने तो हमें ही मुश्किल में डाल दिया। अब क्या करेंगे हम? मुझे नहीं मालूम, लेकिन जनाब कसल को होश आ जाए तो हम उनसे पूछ सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। मैं बेहोश नहीं हूं, आप लोगों को भी कुछ होश करना चाहिए। जनाब कसल, आप होश में आ गए? तू भी नहीं मेरे अजीज दोस्त, खुशामदीद। मैं बेहोश नहीं हूं, आपने देख लिया, लेकिन कुछ अरसे तक सबको यही मालूम होना चाहिए कि मैं बेहोश हूं। मुझे बताइए कि क्या हुआ है। अब्दुल हमीद, जनाब तुबीनी के उस्मानी बैंकों की मदद से किए गए इकदाम से वाकिफ हो चुका है। वो ये भी जान गया कि महसूल अदा नहीं किया गया, उसने जुर्माना आयद कर दिया और अपनी तमाम रकम वापस हासिल कर ली। अब्दुल हमीद, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा होगा, लेकिन ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अभी तक किसी ने बॉन्ड नहीं खरीदे ना? नहीं, उसने मुझे बॉन्ड खरीदने की पेशकश की, मैंने इनकार कर दिया। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें। मज़ाहमत करें, याद रखें आखिरी हद तक मज़ाहमत करनी होगी हमें। बहुत कम वक्त रह गया है, जब वो बॉन्ड कोई नहीं खरीदेगा तो वो रुस्वा हो जाएगा, और सिर्फ वही नहीं पूरी उस्मानी रियासत रुस्वा हो जाएगी। कसल साहब की सेहत अब कैसी है बेटे? हम अभी अस्पताल से आ रहे हैं, उन्हें होश नहीं आया। उनकी तरफ से कोई उम्मीद नहीं है, हमें कोई हल तलाश करना होगा। इंशाल्लाह कोई हल निकल ही आएगा। क्या आप देख रहे हैं? क्या सुल्तान मौसम? हमें बर्बाद करने के लिए कितनी कोशिशें की जा रही हैं। रास्ता दुश्वार बनाने के लिए वो लोग मुस्तकिल चाले चल रहे हैं। हम देख रहे हैं और आपकी काबिलियत से भी वाकिफ हैं। इस रियासत पर हुक्मरानी करना बिल्कुल आसान नहीं है, हम जानते हैं ये बात। इसके लिए इंसान को बहुत मजबूत होना पड़ता है। अल्लाह पाक आपका साया हम पर सलामत रखे। आमीन। अल्लाह इस रियासत और कौम को अहल हुक्मरान अता करे। आप भी इंशाल्लाह उन्हीं में से होंगे बेटे। हमारा मकसद रियासत और कौम की खिदमत करना है, फिर चाहे ये काम किसी भी ओहदे पर रहकर करना पड़े हमें, बस हम रियासत के काम आना चाहते हैं। यही हमारा मकसद है सुल्तान मौसम। माशाल्लाह, सलामत रहिए। सुल्तान मौजम। आइए इस्माइल हक्की साहब, तलबा तैयार हैं? जी तैयार हैं, और आपके ही मुंतजर हैं सुल्तान मौजम। तो फिर चल के दरवेशों से बात करते हैं, ताकि उनके अल्फाज से हमारी रूह को सुकून मिले। आल, आ, आल। शाबाश। एल, ए, ए, एल। शाबाश बेटा। ओल, ओल। अली उस्मान, अब बस करें उस्ताद,
बच्चे पर इतना दबाव क्यों डाल रहे हैं आप? ये थक चुका है क्या? सारी मश्क आज ही करवानी है आपको? तलफ्फुज मश्क से ही आता है। जब तक अली उस्मान अपनी जबान को इस्तेमाल में लाने की कोशिश नहीं करेगा, बोल नहीं पाएगा। जितनी ज्यादा मश्क होगी उतना ही जल्दी ये ठीक हो जाएगा, समझे आप? ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है इसहाक साहब। मेरे शेर, अल्लाह तुम्हें जल्द शिफा अता करे। मैं बाद में आऊंगा। आपका काम आसान हो इसहाक साहब। आपका बहुत शुक्रिया अशरफ अजीज साहब, फिर मुलाकात होगी। महपारे, अली उस्मान, देखो तुम अपने मामू को यूं परेशान करना छोड़ दो, तुम ठीक हो जाओगे। चलो हम दोनों बाहर चहलकदमी के लिए चलते हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा इस बारे में? हाँ, मश्क भी कर लेंगे। हाँ, आजकल हालात बहुत ज्यादा नाजुक होते जा रहे हैं। मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ कि बहुत मोहतात रहना होगा हमें। खैरियत तो है ना? क्या हुआ है भाई? तुम बस मेरे कहे पर ध्यान दो। अब इस इमारत में हमारे मुहाफिज लड़के तैनात होंगे। कोई भी बाहर नहीं जाएगा और ना ही किसी को अंदर आने की इजाजत होगी। मेरे अलावा अली उस्मान को कोई बाग तक भी लेकर नहीं जाएगा। मैंने लड़कों को भी अच्छी तरह समझा दिया है। ठीक है भाई, आप बेफिक्र हो जाएं। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे खबर कर देना। जी, कर दूंगी। मुझे वो शख्स पसंद नहीं आया, लेकिन अगर तबीब साहब ने बुलवाया है तो कुछ अरसे मश्क करवा लेते हैं। इसहाक साहब अच्छे इंसान है, बेफिक्र हो जाएं। अली उस्मान पर काफी मेहनत कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि... अच्छा, बस ठीक है, मोहतात रहना और उस पर नजर रखना। समझ गई भाई। अल्लाह हाफिज। चलो शाबाश अली उस्मान। आल, बोलो ना। आल, मैं समझ गया। मुझे लगता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, क्या यही बात है? बताओ अली उस्मान। तो फिर एक काम करते हैं कि आज हम सबक को यहीं रोक देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, अली उस्मान को आप पसंद हैं। इसहाक साहब, आजकल हम काफी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, इसीलिए अली उस्मान समेत हम सभी काफी जहनी दबाव का शिकार हैं। मैं आपके जहनी दबाव की वजह समझ सकता हूँ। बीमार बच्चे के सामने पिस्तौल लाने से बच्चा परेशान होगा। अशरफ भाई अली उस्मान के हवाले से काफी जज्बाती हैं, मगर आप परेशान मत हो, वक्त गुजरने के साथ उनको और अली उस्मान को आपकी आदत हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे लिए शर्फ की बात है। तशरीफ रखिए। माशाल्लाह मुअल्लिम साहब, दरवेशों के इल्म की झलक इनकी आंखों से जाहिर हो रही है। हम जानना चाहते हैं कि इनकी तालीम कहां तक पहुंची। सुल्तान मौजम, इन सब की तालीम मुकम्मल होने वाली है। अन करीब इन्हें सनत मिल जाएगी, फिर इन्हें दीन इस्लाम की तालीमात और अल्लाह के मुकर्रर करदा अवामिर नवाही की तबलीग के लिए रियासत के चारों तरफ भेज दिया जाएगा। माशाल्लाह, अल्लाह इनकी काविश कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह इन्हें इल्म सीखने की सलाहियत और उस इल्म को दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मुअल्लिम साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो हम इन दरवेशों से बात करके इनसे कुछ सवालात पूछना चाहते हैं। जी सुल्तान मौसम, पूछिए। हमारे बेटो, इस रियासत की सबसे बड़ी ताकत दुआ है। दुनिया में इतना शर फैल चुका है कि इंसान हर गुजरते दिन के साथ अपने
रब का शुक्र अदा करना भूलता जा रहा है। दुश्मन हमारे मकाम और हमारी खिलाफत को खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन आज तक अगर हमें शिकस्त नहीं दे पाए तो ये सब आप ही की वजह से है। आप हजरात रोज सुबह नमाज के बाद जब कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं तो उसकी बरकतें पूरी रियासत को हासिल होती हैं। आप ही वो हजरात हैं जो रियासत के हक में दुआएं करते हैं। इल्म सिर्फ तलब करने का नाम नहीं बल्कि आगे पहुंचाने का और अमल करने का नाम है। अल्लाह आपकी मंजिल आसान फरमाए। आमीन। अल्लाह आपको जालिमों के जुल्म से और गद्दारों की गद्दारी से हमेशा महफूज रखे। आमीन। हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। अल्लाह पाक ने तमाम तर मखलूकात यानी इंसान, मलाइका, शयातीन, जिन्नात यानी पूरी कायनात से पहले क्या तखलीक किया था? जन्नत और जहन्नम तखलीक की गई। आप बताइए। इंसान की रूह बनाई गई। आपका नाम क्या है बेटी? अहमद। दिमिरजी अहमद सिद्दीकी सुल्तान मौजम। आप इस सवाल का क्या जवाब देंगे? सूरह कलम की आयत नंबर 1, अल्लाह पाक ने फरमाया, नून, कलम की कसम और उसकी जो लिखा जाता है, सबसे पहले कलम की तखलीक हुई। एक रिवायत है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक ने सबसे पहले कलम बनाया और फिर उसे हुक्म दिया कि कयामत तक वुकू होने वाली हर चीज़ लिख डाले, और सब लिखा गया। फिर अल्लाह पाक ने कलम को अर्श पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह लिखने का हुक्म दिया। कलम ने ये लिख डाला। पहले उनके नूर की तखलीक हुई, फिर दूसरा नूर अर्श था, तीसरा नूर सूरज, चांद और सितारे, चौथे दर्जे पे जन्नत और जन्नत के महल, फिर दुनिया और आखरत की खूबसूरती। माशाल्लाह माशाल्लाह बेटे, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। जवाब जानते हो, लेकिन सुल्तान मुअज्जम के हुजूर बैठने के आदाब नहीं जानते। अदब से बैठो। हमारी नजर इनकी जाहिरी हालत पर नहीं बल्कि इनके इल्म पर है और इनके इखलास पर। मौलिम साहब, हमारे इस बेटे को आप सनद देने के बाद महल भेज दीजिएगा। हम इन्हें गिल्दिस की मस्जिद में तैनात करना चाहते हैं। इनके अल्फाज से हमारे कल्ब को सुकून मिलेगा। फातमा सुल्तान, बार बार पूछकर आपको परेशान करना नहीं चाहता, लेकिन मुझे अंदाजा है कि आप किसी वजह से अफसरदा हैं। अगर आप मुझ पर एतमाद करके मुझे बताना चाहें तो शायद मैं कोई हल तलाश कर सकूं, और अगर ना कर सका तो कम से कम आपका दुख बांट सकता हूं। अगर आप चाहें तो। आप बहुत अच्छे हैं और आप बहुत खूबसूरत हैं। माफ कीजिएगा मुझे, मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता था, बस अचानक मेरी जुबान से निकल गया। बाज़ औक़ात में बगैर सोचे बोल देता हूँ। बाज़ औक़ात हम सोच सोच कर थक जाते हैं। क्या वाकई? जी ये सच है, हम अपनी गलती को तस्लीम करने से कासिर रहे। यहां आना एक गलती थी हमारी, अब हम इस गलती पर इसरार नहीं करना चाहते। हम आलिया के साथ महल से बल्कि पाया तख्त से चले ही जाएं तो बेहतर है।
سال خادمہ تکلف مت کیجیے، بیٹھ جائیں۔ شہزادی، آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ آپ کو اس لیے بلایا ہے کیونکہ ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں امسال خادمہ۔ مگر کیا شہزادی؟ کیا سالیہ سلطان نے ہماری معذرت قبول کر لی ہے؟ سلطانہ بہت نرم دل کی مالک ہیں۔ اس محل میں آنے کے بعد انہیں جس صورتحال کا سامنا کرنا پڑا اور ان کے ساتھ جیسا رویہ رکھا گیا، اس سب سے وہ بہت اداس تھیں۔ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ سچ کہیں تو ہم نے نائمے باجی کو بھی بہت سمجھایا تھا۔ ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ سالیہ سلطان کا دل جیتنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آپ قریب سے جانتی ہیں انہیں۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں، ہماری سلطانہ تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوش ہو جایا کرتی ہیں۔ شہزادی، آپ کے لیے خط آیا ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ تو آپا، صالحہ سلطان سے کیا بات ہوئی آپ کی؟ پتہ نہیں، صالحہ سلطان کا رویہ عجیب سا تھا۔ کیوں؟ کیا معلوم، مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ مجھے خود سمجھ نہیں آئی، انہوں نے خود ہی مجھے بلایا اور وہ بھول ہی گئی کہ مجھے کیوں بلایا تھا۔ بس میں ہی بولے جا رہی تھی اور وہ خاموشی سے آنکھیں گھما گھما کر مجھے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے شک ہو رہا تھا کہیں ان کی دماغی حالت تو خراب نہیں۔ ارے نہیں آپا جان، ایسی کوئی بات نہیں۔ صالحہ سلطان آج کل بہت مصروف رہتی ہے نا، اسی وجہ سے۔ آپ دونوں کے درمیان کیا باتیں ہوئیں؟ کہانی کے بارے میں پوچھا انہوں نے؟ ہاں، ظاہر سی بات ہے، سب کا پوچھا انہوں نے۔ دیکھا، یعنی انہیں بھی کہانی اور نائمی سلطان کے رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ آرام سے آپا، آرام سے۔ کیا، آخر کس رشتے کی بات کر رہے ہو تم محمود؟ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کر چکے ہیں، اب ہمیں شادی کی تیاری کرنی چاہیے۔ یہ سب کب ہوا کہ انہوں نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا؟ کاش آج آپ باغ میں ان دونوں کو دیکھ لیتی۔ کہانی اور نائب سلطان ایک دوسرے کو کیسے دیکھ رہے تھے، مسکرا مسکرا کر، شرما شرما کر، ناز و نیاز کے ساتھ۔ ان دونوں کی آنکھوں میں چمک تھی، کوئی اندھا بھی انہیں دیکھ کر سمجھ لیتا کہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں۔ بس کر دو، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو کانی سب سے پہلے مجھے بتاتا۔ ویسے بھی میرا بیٹا بھی بہت چھوٹا ہے۔ چھوٹا ہے تو کیا آپ اس کی شادی نہیں کریں گی؟ آپ اپنے بیٹے کی کچھ فکر کریں، اسی لیے تو اس نے آپ کو کچھ نہیں بتایا، کیونکہ آپ اس رشتے کو کبھی قبول نہیں کریں گی۔ یہ نہ کریں آپا، اللہ دیکھ رہا ہے، پیار کرنے والوں کو جدا کرنا گناہ ہے، ایسا مت کریں۔ آپ وہاں سے درخواستیں جمع کر لیں، میں یہاں سے کر لیتا ہوں۔ جناب، سلطان معظم لگتا ہے لوگوں کی درخواستوں پر توجہ نہیں دیتے۔ ارے جناب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کس چیز پر توجہ دیتے ہیں، کس پر نہیں، یہ سوچنا آپ کی ذمہ داری نہیں۔ یہ مطلب نہیں تھا میرا، ایک درخواست لکھی تھی جس کا کوئی جواب نہیں آیا، اگر ان تک پیغام پہنچ جاتا تو جواب ضرور دیتے وہ۔ آپ دوبارہ درخواست لکھ سکتے ہیں، آپ کا پیغام ان تک پہنچا نہیں شاید۔ دفتر میں مامور ایک کاتب بے ہوش ہو گیا تھا، مجھے لگتا ہے کہ اسی دوران آپ کی درخواست کہیں کھو گئی۔ محمود پاشا، آپ کی معذوری کے سبب ریاستی ذمہ داریوں سے کچھ عرصے کے لیے دور رکھا گیا آپ کو۔ سلطان معظم، کاش میری ٹانگیں پہلے کی طرح ٹھیک ہوتی تو میں بھی ریاست کے معاملات میں آپ کے ساتھ تعاون کر سکتا، مگر بس۔ انشاءاللہ پاشا، آپ جلد صحت یاب ہو جائیں گے، پھر آپ پہلے کی طرح اپنی تمام تر ذمہ داریاں دوبارہ سنبھالیں گے، لیکن آپ ابھی بھی
ریاست کی خدمت کر سکتے ہیں. حکم کیجئے سلطان معظم، میں ہر وقت حاضر ہوں. محمود پاشا، توبینی صاحب سے دوستی کرنی ہے آپ کو. سلطان معظم، مجھے اس دشمن کا دوست کیوں بننا ہوگا؟ تاکہ وہ آپ پر اعتماد کرنے لگے اور آپ اسے یقین دلائیں گے کہ آپ اسی کی طرح ایک عام انسان ہیں، تاکہ وہ آپ کے ساتھ کوئی بھی غیر قانونی کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے. یعنی ہم تبونی کو اپنے جال میں پھنسائیں گے اور پھر اسے گھیر لیں گے، ہم اس کے لیے چارہ ڈالیں گے، اور جب وہ چارے کے پیچھے جال کی حدود میں آئے گا تو ہم اسے بآسانی رنگے ہاتھوں پکڑ لیں گے. میں سمجھ گیا ہوں سلطان معظم، آپ تو جانتے ہیں کہ میں باقی پاشا حضرات کی طرح سنجیدہ مزاج نہیں ہوں، اس لیے میں یہ کام بآسانی سر انجام دے سکتا ہوں. اسی لیے ہم نے آپ کا انتخاب کیا ہے پاشا. اگر ہم اسے کسی غیر قانونی کام میں ملوث کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو اس سے اپنی مرضی کا ہر کام کروا سکیں گے. اب ہمیں اس کے لیے ایک جال بچھانا ہوگا. آپ بے فکر ہو جائیں سلطان معظم، میں اس توبینی کو اتنی بری طرح سے پھنساؤں گا کہ وہ اپنی پیدائش پر بھی پشیمان ہوگا. وہ خط پڑھتے ہی آلیا سلطان کا رنگ بالکل زرد ہو گیا تھا سلطانہ. پھر انہوں نے اس کاغذ کے ٹکڑے کر دیے. ان کے جانے کے بعد میں نے ان کاغذ کے ٹکڑوں کو جوڑا اور تحریر پڑھی. لکھا تھا کہ آلیا سلطان، آپ رات کے دوسرے پہر محل کے خفیہ جگہ پر مجھ سے ملنے آئیے گا. محل کی خفیہ جگہ پر؟ یہ لڑکی آخر کیا کر رہی ہے؟ رات کے اس پہر بھلا کس سے ملنا ہوگا انہیں؟ اگر آپ حکم دیں تو میں ان کا تعاقب کرتی ہوں سلطانہ. نہیں امسال خادمہ، ابھی تو آپ کی ایک معاملے سے جان چھوٹی ہے، کیا آپ دوبارہ کسی معاملے میں زندان جانا چاہتی ہیں؟ تو ہم کیا کریں گے؟ ہمارے پاس ایک اچھا موقع ہے جس سے آلیا سلطان کے خلاف ہمیں کوئی ٹھوس ثبوت بآسانی مل سکتا ہے سلطانہ. جی اسحاق صاحب. مجھے کسی ضروری کام سے جانا ہے، اس لیے میں کچھ دن یہاں نہیں آ پاؤں گا. اچھا، لیکن یہ اچھی بات نہیں، یعنی علی عثمان کے حق میں. اس لیے میں آپ کو کچھ اہم باتیں بتا کر جانا چاہتا ہوں. علی عثمان کی مشق کے لیے کچھ خاص کتابیں خریدنے چاہتا ہوں. اگر آپ میرے ساتھ بازار چلیں تو میں وہ کتابیں خرید لوں گا. میرے غیر موجودگی میں عثمان کو آپ وہ مشق کروا دیجیے گا. میں علی عثمان کو یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی. آپ مجھے کتابوں کے نام بتا دیں، میں اشرف بھائی سے کہوں گی، وہ منگوا دیں گے. آپ بے فکر ہو جائیں، بازار نہیں جانا پڑے گا. یہ بہتر ہے، لیکن میں یہاں پر نیا ہوں، مجھے راستوں کا علم نہیں. بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ دکان کبیر بازار میں واقع ہے، مگر اس کے پاس تو بہت سی کتابیں ہوں گی. اگر آپ نہیں جائیں گے تو مطلوبہ کتاب حاصل نہیں کر پائیں گے. چلے ٹھیک ہے پھر، میں ساتھ چلتی ہوں، مگر ہمیں جلدی آنا ہوگا. بالکل، ابھی آتی ہوں میں. یہ کب آیا ہے؟ آج ہی. یہ اصلی ہے یا نکلی؟ نکلی ہے، مگر دیکھو دکھنے میں بالکل اصلی کی طرح لگ رہا ہے. جاؤ، اب چلے جاؤ یہاں سے. خوش آمدید پاشا. خیر تو ہے؟ کوئی غلطی ہو گئی کیا مجھ سے؟ تم دیکھ رہے ہو لڑکے، مجھے بڑا لطف آتا ہے جب اس طرح کے لوگوں کو اپنی غلطی کا خوف ہوتا ہے. اب اس کے ذہن میں ہزار باتیں چل رہی ہوں گی. نہیں پاشا، بس آپ کی آمد پر حیران ہوں. اچھا پھر یہ بتاؤ، کیا تمہارا کوئی بھائی زندان سے باہر آیا ہے؟ یہ چھ بھائی ہیں، ان کے سب سے بڑے بھائی نے ناجائز کاروبار شروع کیا، اسے زندان میں ڈال دیا گیا، تو چھوٹے بھائی نے کام سنبھال لیا، اسے بھی زندان میں ڈال دیا، تو اسے چھوٹے نے سنبھال لیا. اس طرح سب کو زندان میں ڈالا جاتا رہا، اور آخر کار یہ ناجائز کاروبار سب سے چھوٹے کے حصے میں آیا. یعنی
कहने का मतलब यह है कि पूरा का पूरा कुंभा ही बिगड़ा हुआ है। अब मैं नाजायज काम नहीं करता पाशा, हलाल रोजी कमाता हूं। कौन सी हलाल रोजी? मैं नहीं जानता क्या? मैं तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हारे दादा से लेकर तुम तक सभी इसी काम में पड़े हुए हैं। अब ये फजूल बातें बंद करो और मुझे ये बताओ कि क्या तुम मेरे काम आ सकते हो या नहीं। और हां, अगर तुम मेरे काम आ गए तो ठीक है, वरना तुम्हें भी जिंदान में डलवा दूंगा। तुम अपने भाइयों के साथ ही रहना। मेरी बात समझ गए? हुक्म कीजिए पाशा। शाबाश। अच्छा अब ये बताओ, तुम लोग आजकल कोई नीलामी कर रहे हो क्या? वही जो तुम लोग करते हो अमीर लोगों के लिए, असली और जाली माल की नीलामी। यानी ऐसा कोई खास मौका आ रहा है? बताओ, आ रहा है या नहीं? जवाब दो मुझे। आला आला। दस लाख और कोई लेना चाहेगा? मैं बेच रहा हूं, बेच रहा हूं, मैं बेच दिया मैंने। मगर ये खुफिया पैगाम तो आसानी से नजर आ रहा है। पैगाम क्या है सुल्तान मौसम? आजादी के लिए जरूरी है आइन साजी। जनाब तू भी नहीं, आप और मैं साथ मिलकर कोई काम कर सकते हैं। आप जैसे ही पाया तख्त आए थे मैं आपको पहचान गया था। मैं पारी साहिबा को अगवा कर लिया गया है। कैसे? वो मेरे साथ किताबों की दुकान पर जा रही थी। मैंने अली उस्मान के लिए कुछ किताबें खरीदनी थी और फिर उन्होंने आपके लिए ये पैगाम भेजा है। वो तुबीनी महमूद पाशा को गैर कानूनी तौर पर एक खतीर रकम देगा। उसी असना में आप अपने सिपाहियों के साथ वहां छापा मारेंगे और हम तुबीनी को इस मामले में रंगे हाथों गिरफ्तार कर लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर आप नए जामिन की तलाश फौरी शुरू कर दीजिए। आप क्या चाहते हैं? 20%।